दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ स्किन वाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग का ऐसा सीक्रेट जो बना कर रख सकती है आपको लंबे समय तक जवां। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ स्किन वाइटनिंग के लिए राइस क्रीम जो कि आप घर पर बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। इसे आपकी स्किन गोरी होगी, फेयर होगी, स्किन के दाग धब्बे दूर होंगे, झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी और मुहासे और उनके दाग भी दूर होंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसे बनाना कैसे है। इस क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट चावल है। आप 2 चम्मच चावल ले लीजिए और इसे अच्छे से धो लीजिए। अब आप एक पैन में 1 गिलास पानी लीजिए और इस चावल को पैन में डाल दीजिए। चावल को आप तब तक पकाइए जब तक ये पक कर थोड़ा गीला ना हो जाए, यानी इसे थोड़ा ज्यादा पकाना है। अब इन पके हुए चावल को जार में डालकर अच्छे से पीस लीजिए। अब इस चावल के पेस्ट को छन्नी से छान लें ताकि जो क्रीम है वो एकदम स्मूथ बने। अब इस पेस्ट में आपको मिलाना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अब इसमें आप डालें 1/2 चम्मच मैदा। मैदा भी आपकी स्किन को जवान बनाता है। अब इसे हिलाएं और अब इसमें डालें रोज वाटर और इसे भी अच्छे से मिला लें। इसके बाद अब इसमें डालें 2 विटामिन ई के कैप्सूल। इसे लगाने से आपकी स्किन टाइट होती है, गोरी होती है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट है विनेगर एसेंशियल ऑयल। यह ऑप्शनल है पर अगर आप इसे डालते हैं तो यह आपकी स्किन को कूल एंड काम करता है। साथ ही यह आपके क्रीम के लिए एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। अब इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को एक डब्बे में डालकर रख लीजिए। इसे यूज करने के लिए आपको इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी अपने स्किन पर अप्लाई करनी है और इसका अच्छे से मसाज कर लेना है। सभी स्किन टाइप वाले लोग इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे दिन में सुबह और शाम 2 बार यूज करें। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।